जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आस्था। तो कल है देव उठनी एकादशी और इस दिन हमारी तुलसी मैया का विवाह भी होता है और तुलसी मैया का विवाह होता है शालिग्राम भगवान के साथ। तो मेरे पास शालिग्राम जी तो है नहीं, तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, दीदी आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप तुलसी मैया का विवाह किन से कराएंगे? क्या कन्हैया से कराएंगे, कान्हा हृदय से कराएंगे या फिर आप शालिग्राम भगवान लाएंगे? तो चलिए आपको बता देते हैं हम अपनी तुलसी मैया का विवाह किन से कराएंगे। तो पहले जो ये पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आवाज़ें आ रही हैं इन्हें इग्नोर करिएगा, क्योंकि कोलकाता में हमारे यहाँ है जगधात्री माता की पूजा जो 3 दिन से चल रही है, तो वही फंक्शन है, तो वही सब हो रहा है, इसलिए आपको आवाज़ें मिलेंगी। तो आपने हमारे संपूर्ण मंदिर के दर्शन कर लिए, अब इनके दर्शन करिए। ये हैं चतुर्भुज श्री कृष्ण और इनके दर्शन बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हैं। आप कहेंगे कि क्यों दुर्लभ है, ऐसा क्या है? क्योंकि चतुर्भुजधारी तो हैं, कोई भी ला सकता है, लेकिन नहीं, आपको हर घर में द्विभुजधारी भगवान श्री कृष्ण की सेवा और दर्शन मिलेंगे, लेकिन चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण के दर्शन और सेवा बहुत कम मिलती है। मैं अपने भगवान श्री कृष्ण को बहुत कम दिखाती हूँ, यानी कि जो चतुर्भुजधारी ये भगवान श्री कृष्ण हैं इनके दर्शन में बहुत कम दिखाती हूँ, क्योंकि लोगों को इनकी महिमा के बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए पहले इनकी महिमा बता देते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो कि गीता में बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज दिव्य रूप के दर्शन के दुर्लभता और उसकी महत्ता बताते हुए अर्जुन से कहा, मेरे इस रूप के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, मेरे इस रूप के दर्शन की इच्छा देवता भी करते हैं। मेरा यह चतुर्भुज रूप न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न क्रिया से और न ही उग्र तपस्या से, यानी कि बहुत बड़ी तपस्या से भी संभव नहीं है। इस रूप के दर्शन उसी को हो सकते हैं जो मेरा अनन्य भक्त है और जिस पर मेरी पूर्ण कृपा है। तो ये महिमा है हमारे भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप के, जो कि प्रभु ने बताया था स्वयं गीता में अर्जुन जी को। तो ये मेरे कन्हैया हैं और ये भी मम्मी के हैं, यानी कि मेरे मायके के हैं चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण। मम्मी सेवा नहीं कर पाती थी तो मैं इनको भी ले आई थी, और जो आपको छोटे से राधा कृष्ण दिख रहे हैं उनको भी मैं ले आई थी। तो चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण के साथ हमेशा मेरी तुलसी मैया का विवाह होता है। तुलसी मैया मेरे पास नहीं थी क्योंकि हम लोग गाँव जाना था, तो मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि यहाँ पर सूख जाती हैं, अगर 2 महीने नहीं रहोगे तो सूख जाएंगी, इसलिए मैं लेके यहाँ नहीं आई थी। अब आई हैं तुलसी मैया मेरे घर कल, और उनका विवाह होगा चतुर्भुजधारी भगवान श्री कृष्ण से। और बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे, और कल देखिएगा तुलसी विवाह। तो आप सभी को अग्रिम देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।